आवाज तो यहीं कहीं टेक से आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है पतीले घर में आपका कहीं हाथ ना चल जाए। अरे रिंगटोन की आवाज मेरे फोन से आ रही है चाचू। हाँ। लगता है फोन खराब हो गया है, साइलेंट ही नहीं हो रहा, तभी कब से बजी जा रहा है। भाई मैं भी सोचूं गरम गरम खाने से आवाज कैसे आ रही है। लाओ अपना फोन दिखाओ जरा, क्या क्या हुआ गया तुम्हारे फोन को? निगार तुम्हें पता ना आज के डेट में फोन कितना जरूरी है, जब भी खराब हो ना तो उसे फौरन ठीक करा लेना चाहिए। पकड़ो। अरमान भाईजान ने तो बताया था कि वो मनी पति को न्यास के लिए आए हुए देख में छुपा कर बाहर भेजने वाली है। रवि चाचू यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह नो, रवि चाचू को रोकना होगा। अगर मन्नत अपने को पकड़ लिया तो सब लोग मिलकर अरमान भाईजान के चितड़े उड़ा देंगे। क्या करूं क्या करूं? क्या हुआ, अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे आज मन्नत का निकाह है, खुशी का दिन है, चल ये बर्तन जल्दी जल्दी से उठवा के लेके जा, यतीमों में खाना बांटना है, जा। हाँ नानी अम्मी, नहीं तो बांटूंगा, इस घर का नौकर जो ठहरा, वैसे भी ये काम मेरा इस घर में आखिरी काम है, क्योंकि मुझे तो घर से निकाला जा चुका है। इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, ना किसी का मुझ पर, ये तो बड़ी अम्मी का आखिरी हुक्म है जो मैं मान रहा हूँ। आ तो जल्दी कर। चलो भाई चलो, जल्दी करो। बाय बाय मन्नत अप्पी। बात समझ में नहीं आती, इसका अब्बू तो इतना समझदार है, खुदा जाने ये बावला किस पर पड़ गया। वैसे मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि इसके दिल में मन्नत के लिए कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, मगर ये नहीं पता था मुझे कि निकाह में ऐन वक्त पर ये अपने दिल के छाले फोड़ेगा। ये अरमान भी ना बिल्कुल निराला है। हाँ। अरे रवि बेटा, इससे याद आया, मैंने तुम्हारे फोन पर सामान की एक फहरिस्त भेज दी है, निकाह का वक्त है, रस्में कभी भी शुरू हो जाएंगी, बेटा जल्दी से सामान लेकर आ। मैं अभी अभी देखता हूँ। हाँ। हर जगह देख लिया, मनु कहीं नहीं है, मन्नत कहाँ चले गई हो तुम? फोन उठाओ मन्नत, तुम तड़प तड़प के मर भी जाओ तब भी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी बादल। अब ना मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। आज से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। ना फोन उठा रही है ना यहाँ कहीं है, गई तो गई कहाँ मन्नत? क्या करूँ? कुछ देर में निकाह, नू तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मुझे यकीन है कि तुम यही कही हो। अल्लाह भैया प्लीज प्लीज मन्नु, कहाँ हो तुम मन्नत, कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। पहले सांस ले लो फिर बताओ क्यों घबराई हुई हो, क्या हुआ है? इबू बोलो क्या हुआ है? सब लोग रेडी हो गए अम्मी, मैं रेडी ही नहीं हो पाई, वक्त भी नहीं बचा है, निकाह का शुरू होने वाला है। वो जी घबरा रहा है मैं। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तुमने ना अपनी आदत बना ली है कि सारी तैयारियों का बोझ तुम अपने सर पर ले लेती हो और अपने बारे में भूल जाती हो।
लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी इबादत किसी हूर से कम ना लगे। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं मन्नत से मिलके आती हूँ। नो, अगर अम्मी हमारे कमरे में गई तो उन्हें पता चल जाएगा मन्नत अपने कमरे में नहीं है। अम्मी पैनिक हो जाएगी, अम्मी को रोकना पड़ेगा। अम्मी, आप मन्नत से नहीं मिल सकती। मन्नत से नहीं मिल सकती? क्यों? मन्नत पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है ना, इसलिए। क्या? वो रेडी नहीं हुई है? मैं अभी उसकी खैर लेती हूँ। अम्मी, वो क्या हो रहा है इबादत? वो रेडी हो गई है, बस थोड़ा सा टचअप कर रही है, दैट्स इट। अम्मी, पीर बाबा ने कहा था मुझे कि मन्नत को नजर लग सकती है, और वो आज इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अगर आपकी नजर लग गई तो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ की नजर भी कभी लगती है? लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश इतनी मासूम है। ठीक है, मैं मन्नत से नहीं मिलती हूँ, उसे जल्दी नीचे लेकर आओ। हाँ, और तुम भी तैयार होकर आओ। आपको क्या बताऊं अम्मी, वो गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ है। वो ये सिक्योरिटी यहाँ क्या कर रही है? इन्हें किसने हायर किया? मैंने हायर किया है। सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें हटवा दो। अगर वो घर से बाहर गई होगी तो सिक्योरिटी ने जरूर देखा होगा। हाँ जी मैडम जी। आप लोगों ने किसी को बाहर जाते हुए देखा? बाहर से अंदर जाते वक्त तो कई सारे लोग दिखे मुझे, लेकिन अंदर से बाहर जाते वक्त कोई दिखे नहीं मैडम जी। लेकिन हाँ, थोड़ी देर पहले हमीदा मैडम जी ने रवि सर को बाहर भेजा है, और उससे कुछ ही देर पहले अरमान सर भी बाहर गए हुए गरीबों को खाना देने के लिए। बस यही दो एक्टिविटीज हुए मैडम जी। ओके, थैंक यू। जी मैडम जी। गॉड, इसका मतलब है कि मन्नत घर से बाहर नहीं गई है। अभी ना ओवरथिंकिंग के मारे कभी जान निकल जाएगी मेरी। पर मन्नू घर के अंदर है तो है कहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रही? भाभी दुल्हन बनने वाली है भाई, बिजी तो होंगी ना। और अगर बिजी ना भी हुई तो ऐसा पहली बार तो है नहीं कि उसने आपका कॉल इग्नोर किया हो। आपका कॉल कैसे इग्नोर कर सकती है? मेकअप में टाइम लग जाता है। काम डाउन। तो ऐसा ही कह रहा है, रेडी हो रही होगी। मन्नू, मन्नत, मन्नत कहाँ हो तुम? सुभान। हाँ सुभान। ये बात था यार, मैं मन्नत को कब से ट्राई करूं, मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरी बात करा दो ना उससे प्लीज। हाँ, वो मेकअप कर रही होगी ना, इसलिए नहीं उठा पा रही होगी फोन। तुम मन्नत के साथ ही हो ना? नहीं। और एक काम करो, तुम मन्नत के पास जाओ, मेरी बात करो ना उससे प्लीज। सुभान, तुम हाँ, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी दुल्हन को देखना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, उसे मिलना चाहते हो, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। मन्नत हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है ना, आज निकाह है तुम दोनों का, अब तुम उसे निकाह के बाद ही मिल पाओगे। ओके, बाय। इबादत, हेलो। सुभान, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, तुम्हारा दिल नहीं टूटना चाहिए। मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी सुभान। मन्नू, इतना वक्त क्यों लग रहा है मेरी जान? दादी अम्मी, मन्नत को टाइम लगेगा। तुमसे पूछा है मैंने तो क्यों अपनी नाक घुसा रही हो? कितनी मर्तबा समझाया मैंने तुम्हें, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। मेरी पोती तैयार हुई है या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। दादी अम्मी, अरे हटना, क्यों बीच में आ रही है? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? देख रहे, एक तो ये रोक रहे, अब तो आ गई। अम्मी, अरे यहाँ आइए। क्या हुआ? कब से ढूंढ रही हो आपको, हमें कहाँ जा रही है? मन्नू तैयारी हुई कि नहीं देखती हूँ ना,
जल्दी से निकालो उसे। मन्नत तैयार हो जाएगी अम्मी, आपके नवासे का भी निकाले, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। मन्नू को चलिए आप मेरे साथ, चलिए अपनी बात मनवा के रहेगी। हाँ चलिए, और तू मत जाओ दमन उसे फैलाने के लिए। इबादत ने मेरी मन्नत से बात नहीं कराई, थोड़ी घबराई हुई सी भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कुछ छुपा रही हो। इबादत आपसे कुछ क्यों छुपाएगी भाई, कहीं आपको मन्नत भाभी पे शक तो नहीं हो रहा? शक नहीं हो रहा यार, उसकी फिक्र हो रही है। पहले भी वो फरहान कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है, अगर उसने दोबारा कुछ किया ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं भी। कहाँ जा रहे हो? मन्नत से मिलने। अरे भाई, अरे यार, कहाँ भागे जा रहे हो सुभान? इबादत मुझे मन्नत से मिलना है, ओके? तुम मन्नत से नहीं मिल सकते। क्यों? तुमने मेरी उससे फोन पे भी बात नहीं कराई, अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम मुझे मिलने नहीं दे रही, हो क्या रहा है इबादत? हाँ मैं जा रहा हूँ। सुभान, तुम्हारी और मन्नत की भलाई के लिए मैं ये कर रही हूँ। मतलब? निकाह का दिन दूल्हा और दुल्हन के लिए बहुत ही पाक दिन होता है सुभान। निकाह के दिन दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी बदल जाती है, इस दिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुभान। आज के दिन तो एटलीस्ट तुम और मन्नत एक दूसरे को नहीं मिल सकते। क्यों? सेरेमनी का पाकीज़ापन भी बना रहना चाहिए ना। प्लीज सुभान, समझो बात को। ठीक है, ओके। अगर इतनी सी बात थी तो पहले बता देती, मुझे लगा कुछ और बात है। नहीं, यही थी। एक मिनट, सेरा बनने आ रही हो ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे सहरा तुम ही बांधोगी। तुम्हारा दिल रखने के लिए कह दिया था सुभान, वो सहरा बांधना मेरा हक नहीं है। मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, मुझे काम भी देखने हैं। वैसे भी दूल्हे का सहरा बांधना 7 सुहागनों का काम होता है। Really? Okay. घर से बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर कहीं नहीं मिल रही है, तो कहीं कहाँ? रोहन के गुंडे दोस्त भी उसके जैसे, सिर्फ नाम की कोई चीज नहीं है, एक भी नहीं आया अभी तक। सुबह दूल्हा बन के रेडी है, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, अम्मी की इज्जत क्या करूं मैं? अल्लाह मियां प्लीज, कैसे भी करके मुझे मन्नू तक पहुंचा दीजिए प्लीज। इस नोज रिंग का ना बहुत ख्याल रखना। दादी अम्मी ने कहा था कि ये हमारे खानदान की विरासत है। ये गिर सकता है, थोड़ा नाजुक है, ध्यान से। हाँ ये तो शायद सीनत का हिस्सा है जिसे संभालने की नसीहत मैं मन्नू को दे रही थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मन्नत क्या कर रही हो? चुपचाप अंदर रहो और निकलो कि कोई देख लेगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरमान मेरा अंदर दम घुट रहा है। मन्नत मैं जानता हूँ दुख तकलीफें हो, तुम्हें तकलीफें देख के मैं भी खुश नहीं हूँ, मगर अपने प्यार को पाने के लिए थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, तुम बाहर आने की कोशिश मत करो। ये फरहान के इडियट दोस्त टेम्पो लेकर क्यों नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। आ गया टेम्पो, चलिए आओ जल्दी करो। गुड
पानी में। अरमान बाबा नियाज का खाना लेकर कुछ चले गए, मगर ये बिरयानी की तपेली तो इधर ही छोड़ कर चले गए। रजिया जरा मेरे कमरे में आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ बाजी आई। मुझे भी कोई शौक नहीं है शादी में रहने का, मैं बस गरीबों के लिए नियाज का खाना लेने आया। एक्सक्यूज मी, सुनिए, नियाज का सारा खाना तो बाहर जा चुका है ना, तो फिर ये बर्तन यहाँ क्यों है? ये मेहमानों के लिए बनवाया होगा ना मैडम, नियाज की सारी बिरयानी तो बाहर पहुँचा दी गई है। आप चाहें तो अरमान सर जी से पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेहमानों के लिए तो खाना घर में बना ही नहीं है, मेहमानों के लिए तो खाना बाहर से ऑर्डर किया गया था। घर में सिर्फ नियाज के लिए खाना बनाया गया था, बिरयानी सिर्फ नियाज के लिए बनाई गई थी। इनके हिसाब से नियाज का सारा खाना बाहर पहुंच चुका है, पर ये बर्तन यहाँ क्यों है? गरीबों में बंटने वाला ये सारा खाना मैं खुद चेक करूंगी। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक है। अरमान सर भी बाहर गए हुए गरीबों को खाना देने के लिए, बस यही दो एक्टिविटीज हुए मैडम। नियाज की देख बाहर पहुंचा दी गई है, आप चाहें तो अरमान सर जी से पूछ सकते हैं। इसका मतलब मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, अरमान ने बिरयानी के बर्तन में बिठाकर मन्नत को घर से भगा दिया है। मैं मन्नत को भागने नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्यान से मुझे कुछ दिनों के लिए सबकी नजरों से दूर रहना होगा। मन्नत हमेशा खुश रहना, बी हैप्पी ऑलवेज। खुश रहना मेरे साथ, वो फरहान तुम्हें कल रात छोड़ देगा, तुम पूरे शहर में बदनाम हो जाओगी। उसके बाद मैं ही हूं जो तुम्हारा हाथ थामेगा। अभी खुश हो लो जितना होना मन्नत, पान में तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बिता दी है। अरे क्या कर रही हो, हटो सामने से। मैंने कहा मुझे बर्तन चेक करने। कोई बर्तन चेक नहीं होगा, हटो सामने से। रुको अभी बाहर आता हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम? हाँ मुझे बर्तन चेक करने। मैंने कहा हटो यहाँ से। चेक करने। क्या कर रही हो तुम? चाबी दो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे चाबी दे दो। नहीं दूंगी। चाबी दे दो। तो ये बातें क्या आवाज है? उसे पता चल गया कि मैं चुप कर घर से भागी हूँ। घर से तो भागा है, लेकिन मुझे यहाँ से भी भागना होगा, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। मुझे चाबी दे दो। मैंने कहा मुझे चाबी दे दो। झूठी बकार, फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। अब अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़ दो मेरा हाथ।
तब भी जीना भरे ना तो जान ले लो मेरी। मैं तुम्हें खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मन्नत। क्या कर रही हो तुम मन्नत? निकाह की तैयारियां हो चुकी है, मेहमान आ चुके हैं, काजी साहब आ गए हैं और सुभान सुभान दूल्हा बन के बैठा है, वेट कर रहा है तुम्हारी सहरा बांध के। उसका दिल टूट जाएगा मन्नत, ऐसा मत करो मन्नत। अम्मी अम्मी का क्या होगा? वो बिखर जाएगी मन्नत, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पूरे दिल्ली में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मन्नत कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आएगी, दुआ हैदर अख्तर की बेटी शादी से फरार हो गई। क्या चाहती हो तुम? हाँ बोलो, तुम जो भी चाहते हो ना मन्नत। ऐसा नहीं होने दूंगी। तब जी तुम, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। चलो मेरान बादत, मेरे घर छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी। बादत मन्नत, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मन्नत, प्लीज ऐसा मत करो अम्मी के साथ। मन्नत हमारी खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। कौन सा खानदान, कौन से घर वालों की इज्जत की बात कर रही हो तुम? अरे वो लोग जिनमें इतनी भी गहरत नहीं थी कि मुझसे पूछ ले कि मैं क्या चाहती हूँ। सफर दस्ती सुभान के गले मरने की कोशिश की मुझे। अरे तुम सबका छोड़ो, अम्मी ने तो तेरा साथ नहीं दिया इबादत। तुम हमेशा से गलत थी, लेकिन सबने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानी, मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश की सबने। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। कम से कम अपनी परवाह कर लो मन्नत, वो फरहान अच्छा लड़का नहीं है। अपनी जबान संभालो इबादत। मेरे फरहान के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी उसके बारे में। तुम मेरे साथ सीधा अंदर चलो, समझी? जब मैं कहीं नहीं जाऊंगी समझी, तुम छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, चलो। इबादत मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मन्नत ऐसा नहीं कर सकती तुम। मन्नत बहुत छोड़ो। मन्नत प्लीज प्लीज रुक जाओ, मेरा पैर छोड़ो।